गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग बढ़िया ठीक है ठीक है फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरा मानना है कि आप घर पे होंगे और सेफ होंगे क्योंकि ये कोरोना की वजह से हमें हमें घर पे रहना है और सेफ रहना है ठीक है फ्रेंड्स क्लियर नाउ फ्रेंड्स आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे क्या पढ़ने वाले हम लोग स्टैंडर्ड टेन जो हमारा एस एस है उसमें हमारा जो फिफ्टीन नंबर का चैप्टर है फ्रेंड्स जो हमारा फिफ्टीन नंबर का चैप्टर है उसका हम लेंगे इकोनॉमिक सेक्शन फ्रेंड्स यानी स्टैंडर्ड टेन इंग्लिश मीडियम जो हमारा फिफ्टीन नंबर का चैप्टर है ना फ्रेंड्स उसका हमें हम लेंगे इकोनॉमिक सेक्शन फ्रेंड्स वेटेज क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिक्वायर्ड टू नो द वेटेज क्योंकि कोई भी चैप्टर आप हाँ पढ़ रहे हो फ्रेंड्स तो हमें पता होना चाहिए कि उस चैप्टर का वेटेज क्या है फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स वेटेज है टोटल फोर मार्क्स यानी स्टैंडर्ड टेन एज फार एज बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न हमारा फिफ्टीन नंबर का जो चैप्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट वो आएगा बोर्ड एग्जामिनेशन में फोर मार्क्स का तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट तो फिर से स्टैंडर्ड टेन एज फार एज बोर्ड एग्जामिनेशन इज कंसर्न चैप्टर नंबर फिफ्टीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट फोर मार्क्स का रहेगा फ्रेंड्स नाउ फ्रेंड्स क्या है पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है क्या क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अब फ्रेंड्स हमें पता है कि जो ह्यूमन लाइफ है बराबर इस टोटली डिपेंड अपॉन सर्टन मटेरियल्स यानी हमारी जो लाइफ है ना वो सर्टन मटेरियल पे यानी सर्टन प्रोडक्ट पे डिपेंड रहती है अब जो दोज वू आर फाइनेंशियली साउंड बराबर तो उनको तो फूड मिल जाती है और जो भी फैसिलिटी और जो भी सर्विसेज एक्वायर करनी हो उनको मिल जाती है दोज हु आर फाइनेंशियली साउंड बट एज फार एज अवर कंट्रीज कंसर्न बराबर इंडिया में तो देर आर सर्टन पीपल यानी ह्यूज पॉपुलेशन जिनको अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है दे आर स्ट्रगलिंग फॉर देर एग्जिस्टेंस यानी अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए बहुत ही उनको एफर्ट्स डालनी पड़ती है तब अपनी लाइफ को वो सर्वाइव करते हैं यानी स्ट्रगल बहुत ही रहता है उनकी लाइफ में बराबर क्या बोलते हैं दोस्त पीपल जिनको स्ट्रगल बहुत ही करनी पड़ती है दे आर कॉल्ड पुअर यानी दे आर पुअर पीपल दैट मीन दे आर नॉट फाइनेंशियली साउंड बराबर उनके पास उतने फंड्स और रिसोर्स पैसे नहीं होते फंड फ्रेंड्स दे आर कॉल्ड पुअर पीपल बराबर नेक्स्ट उनके लिए तो ये जो फैसिलिटीज़ है प्रोडक्ट है लाइफ है बराबर अच्छी लाइफ वो तो फिर ये तो यही ड्रीम जैसे ही हो गई अब तो नावे डेज तो बहुत बराबर क्योंकि वो अपने टू टाइम्स की जो फूड की रिक्वायरमेंट है ना फ्रेंड्स वही सेटिस्फाई करने में उनकी लाइफ निकल जाती है दे आर फाइनेंशियली पुअर पीपल फ्रेंड्स पैसे नहीं होते एज फार एज इंडिया इज कंसर्न फ्रेंड्स मोर देन थर्टी परसेंट आर लिव इन बिलो पॉवर्टी लाइन पॉवर्टी यानी पुअर पीपल्स गरीबी हमारी फ्रेंड्स तो थर्टी परसेंट पीपल तो more than 30% people as far as india is concerned they are living below poverty line barabar to yani poverty line yani unke past two times ki jo hamari food ki requirement hoti hai na friends उतना fund उतना ही भी पैसा नहीं होता है बराबर they are struggling for their food बाकी needs तो बाद की बात है बात की बात है दे आर स्ट्रगलिंग फॉर फूड्स फूड्स भी नहीं होता है उनके पास टू टाइम्स बराबर बराबर तो अब क्या सॉल्यूशन है अब ये जो स्ट्रगल कर रही है हमारी पॉपुलेशन बराबर तो क्या सॉल्यूशन है सॉल्यूशन एक ही है इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी कोई भी कंट्री तरक्की करेगी यानी डेवलप होगी तो उनके जो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स हैं ना उनका सॉल्यूशन निकलता जाएगा यानी ईच एंड एवरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर सॉल्यूटेड बाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आप अपनी कंट्री का बराबर इकोनॉमिक डेवलपमेंट करोगे तो जो भी प्रॉब्लम्स है ना इकोनॉमिक बराबर उसका सॉल्यूशन निकलता जाएगा बराबर दोज हु आर नीड फॉर फूड उनको फूड मिलना चालू हो जाएगा दोज पीपल हु हैव ए नीड फॉर क्लोथ उनको क्लोथ मिलना चालू हो जाएगा बराबर यानी जो चीजें चीजों की रिक्वायरमेंट है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना ही चाहिए हर कंट्री का और इंडिया में भी हो रहा है फ्रेंड्स नाउ क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट मींस यानी आप किसको बोल सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है क्या होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो कंट्री में क्या चेंज होगा तो सबसे पहले फ्रेंड्स सोशल चेंज होगा सोशल जो हमारी सोसाइटी है ना उसमें चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा यहां नाउवे डेज तो हमें पता ही है कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन पुअर पीपल एंड रिच पीपल बराबर तो जैसे जैसे डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा ना वो रेशियो डिक्रीज होता जाएगा यानी सोशल डिफरेंसेस कम होना स्टार्ट हो जाएंगे क्या इंपैक्ट रिजल्ट होगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ध्यान से सुनिए फिर क्या होती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट फ्रेंड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट सोर्स इंक्रीज इन नेशनल इनकम यानी जो कंट्री की नेश इकोनॉमिक डेवलपमेंट डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा उनकी फ्रेंड्स नेशनल इनकम इंक्रीज होगी वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जाएगा कंट्री का मान लो कि इंडिया का तो नेशनल इनकम फ्रेंड्स इंक्रीज होती जाएगी यानी जो भी इनकम जनरेट कर रही है ईच एंड एवरी ईयर कोई भी कंट्री उसकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी तो पहली है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की मेजर कि वो नेशनल इनकम इंक्रीज करती है फिर और क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स कॉन्स्टेंट इंक्रीज इन नेशनल इनकम ऑफ कंट्री जो हम डिस्कस कर चुके हैं इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ कंट्री यानी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी अब ये क्या है फ्रेंड्स नेशनल इनकम क्या है एक एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन करता हूं यानी दोनों वर्ड्स आपके क्लियर हो जाएंगे नेशनल इनकम एंड कैपिटा इनकम ये दोनों वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स पहले लेते हैं नेशनल इनकम क्या होती है नेशनल इनकम मान लो कि बराबर एज फार एज इंडिया इज कंसर्न जो हमारी कंट्री है वी हैव ए पॉपुलेशन ऑफ वन हंड्रेड एंड थर्टी सेवन करोड़ मोर देन वन हंड्रेड एंड थर्टी सेवन करोड़ यानी हमारी इंडिया इंडिया की प्रेजेंट पॉपुलेशन 137 करोड़ है बट उसमें से ओनली 35 करोड़ पीपल आर अर्निंग पीपल ध्यान से सुनना फ्रेंड्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम ध्यान से सुनना मुझे टोटल पॉपुलेशन इंडिया की कितनी है फ्रेंड्स 137 करोड़, आउट ऑफ 137 करोड़ थर्टी फाइव करोड़ आर अर्निंग पीपल थर्टी फाइव करोड्स तो वी आर टॉकिंग अबाउट थर्टी फाइव करोड पीपल्स क्योंकि नेशनल इनकम में उनका ही रोल होता है यानी दोज पीपल वू आर अर्निंग पर्सन दे हैव ए इम्पैक्ट ऑन नेशनल इनकम यानी कमाने वाले जो पर्सन होते हैं ना जो जो ह्यूमन बीन होते हैं यानी जो इंसान होते हैं वही नेशनल इनकम पे इम्पैक्ट डालते हैं एज ए स्टूडेंट आप नेशनल इनकम पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकते ओके okay, डन तो अब नेशनल इनकम होती क्या है चलो जो इंडिया की जो अर्निंग पीपल है यानी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको थर्टी फाइव करोड पीपल उनके इनकम का टोटल किया जाता है यानी पर एनम ये जो थर्टी फाइव करोड़ पीपल है ना मान लो कि उन सबने मिला के यानी थर्टी फाइव करोड़ जो पीपल है बराबर इंसान है उन्होंने साल भर ड्यूरिंग द होल ईयर सबने मान लो कि थाउजेंड रुपीज़ पर एनम इनकम जनरेट की मैं फ्रेंड्स एग्जाम्पल ले रहा हूँ यानी थर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ वो इंडिया की नेशनल इनकम हो गई थाउजेंड इंटू थर्टी फाइव यानि थर्टी फाइव करोड़ पीपल एक पीपल यानी एक इंसान ने थाउजेंड रुपीज अर्न किए तो यानी नेशनल इनकम कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स थर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ वो हो गई इंडिया की यानी इंडिया की थर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ नेशनल इनकम हो गई बराबर फॉर होल ईयर यानी पूरे साल की अब फ्रेंड्स पर कैपिटा इनकम क्या है नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा इनकम क्या है फ्रेंड्स पर कैपिटा इनकम फ्रेंड्स जब तक आपके दिमाग में ये नेशनल इनकम क्लियर नहीं होगी ना कैसे आती है नेशनल इनकम तब तक आपके दिमाग में यानी आपको पर कैपिटा वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो माइंड में नहीं बैठेगा तो फ्रेंड्स वो क्लियर हो गया कि नेशनल इनकम कैसे क्रिएट होती है अर्निंग पर्सन ही नेशनल इनकम में अपना योगदान यानी अपनी एफर्ट्स डालते हैं यानी इंपैक्ट डालते हैं क्लियर फ्रेंड्स अब पर कैपिटल इनकम क्या है फ्रेंड्स पर कैपिटल इनकम मीन्स यहां पर तो टोटल जो पॉपुलेशन होती है ना वो कंसिडर होती है यानि क्या है पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला तो पर कैपिटा इनकम इक्वल टू क्या फॉर्मूला लगेगा पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला ध्यान से सुनिए नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय ध्यान से सुनना मुझे फ्रेंड्स हाउ कैन वी फाइंड आउट द पर कैपिटा इनकम नेशनल इनकम जो हमने अभी एग्जाम्पल लेकर डिस्कस की थर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ थाउजेंड इंटू थर्टी फाइव डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन यानी कंट्री की टोटल पॉपुलेशन कंसीडर होती है यहां पे क्लियर है फ्रेंड्स तो हमने एग्जाम्पल लिया तो टोटल पॉपुलेशन थर्टी फाइव थाउजेंड करोड़ हमारी नेशनल इनकम है डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन टोटल पॉपुलेशन है फ्रेंड्स हमारी 137 करोड़ यानी नेशनल इनकम को आप टोटल पॉपुलेशन से फ्रेंड्स डिवाइड कर लोगे आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनना आप नेशनल इनकम को टोटल to, पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगी फ्रेंड्स पर कैपिटा इनकम ये मिल जाएगी आपको पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी यानी पर कैपिटा इनकम टोटली डिपेंड ऑन नेशनल इनकम यानी ये तो बात कंफर्म है फ्रेंड कि जितनी कंट्री की नेशनल इनकम ज्यादा होगी उतनी पर कैपिटा इनकम ज्यादा होगी यानी पर कैपिटा इनकम का मीनिंग यही होता है कि पर हेड पर कैपिटा इनकम का मीनिंग ही होता है फ्रेंड्स पर हेड क्लियर है तो आई एम रिपीटिंग विद इन अ थर्टी सेकेंड रिवाइज कर लेते हैं नेशनल इनकम क्या है जो हमने डिस्कस की यानी जो अर्निंग पर्सन होते हैं कंट्री के बराबर अर्निंग पर्सन टोटल पॉपुलेशन वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम तो नेशनल इनकम में अर्निंग पर्सन यानी हमारे इंडिया के थर्टी फाइव करोड़ पीपल्स आर अर्निंग पर्सन बराबर आपके फादर आपके अंकल जो भी होंगे वो दोजू आर अर्निंग पर्सन बराबर तो वो जो भी ड्यूरिंग द ईयर होल ईयर जो अर्न करते हैं थर्टी फाइव करोड़ पीपल उनकी इनकम का हम क्लम करेंगे यानी टोटल करेंगे विच इज कॉल्ड नेशनल इनकम चलो क्लियर हो गया नेशनल इनकम फिर से अब लेते हैं पर कैपिटा इनकम पर कैपिटा इनकम का मीनिंग ये होता है कि पर हेड इनकम यानी जितनी भी पॉपुलेशन है ना हमारी कंट्री की यानी इंडिया की पूरी की पूरी पॉपुलेशन काउंट होगी इसमें वहाँ पे सिर्फ अर्निंग पर्सन नेशनल इनकम में अर्निंग पर्सन काउंट होते हैं अब लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा पर कैपिटा इनकम इक्वल टू नेशनल इनकम जो हमने फाइंड आउट की है बराबर 35000 करोड़ डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन यानी टोटल पॉपुलेशन से आप उसको डिवाइड कर दोगे बराबर तो यहाँ पर हमें पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी तो फ्रेंड्स एक क्लियर हो गया नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम चलो डेवलपमेंट में नेक्स्ट और क्या होगा तो हमें पता चल जाएगा यानी आपकी नेशनल इनकम जैसे ही आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा आपकी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी और सीधी बात है नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो आपकी पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगी सीधी बात है क्योंकि पर कैपिटा इनकम सीधी बात है कि नेशनल इनकम ही कंसिडर की जाती है फिर क्या होगा चेंज इन लाइफ स्टाइल ऑफ पीपल यानी जैसे जैसे तरक्की होती जाती है ना यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जाता है ना तो लाइफ स्टाइल चेंज होती जाती है यानी लाइफ स्टाइल नाव तो आप बोल सकते हो कि मॉडर्न होती जाती है मॉडर्न होती जाएगी जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री में होते जाएंगे कोई भी कंट्री हो तो वहाँ पे लाइफ मॉडर्न होती जाएगी हम रिसोर्सिस है उसका बेटर यूज कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ बढ़ता ही जाएगा जैसे जैसे आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते जाओगे आपका टेक्नोलॉजी का यूज़ इंक्रीज होता जाएगा सीधी बात है चलो तो ये हो गया हमारा और क्या चेंज होगा स्टैंडर्ड ऑफ पीपल यानी जो लाइफ भी अच्छी होती जाएगी बेटर होती जाएगी बराबर और लिविंग स्टैंडर्ड है ना वो भी इंक्रीज होता जाएगा फ्रेंड्स सीधी बात है क्योंकि लोगों को फिर फिर तो अपनी जो नीड्स है वो नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना होगा जो हमारे इंडिया में देर आर सटन पीपल उनको अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई यानि फुलफिल करने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ता है पर जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, होता जाएगा और हो भी रहा है हमारे इंडिया में हो भी रहा है बहुत कुछ हो रहा है बहुत डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में फिर सीधी बात है तो वहाँ पर क्या होगा कि बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने यानी फुलफिल करने के लिए आपको ज्यादा स्ट्रगल नहीं करना होगा नेक्स्ट फ्रेंड्स अब क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ध्यान से फ्रेंड ये पूरे के पूरे जो पॉइंट्स है ना फ्रेंड्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट के थे यानी नेशनल इनकम इंक्रीज होगी पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होगी और लाइफस्टाइल चेंज होगी यानी लिविंग स्टैंडर्ड बराबर कंट्री के जो भी, जो भी पॉपुलेशन है उनका इंक्रीज होगा यानी उनकी बेसिक नीड्स जल्दी से और अच्छी तरह से सेटिस्फाई होगी अब फ्रेंड्स टोटल इनकम होती है उसको ही नेशनल इनकम बोलते हैं वो तो, तो हम डिस्कस कर चुके हैं डिवाइडिंग द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बराबर विद पॉपुलेशन वो भी हम डिस्कस कर सकेंगे तो हमें पर पर कैपिटा इनकम मिल जाएगी वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं बराबर वाइल्ड लिविंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूड्स अब लिविंग स्टैंडर्स का मीनिंग क्या होता है लिविंग स्टैंडर्ड्स का मीनिंग क्या होता है फैसिलिटीज जो भी जो हम हम जो हमारा कंट्री है तो जो हमारी कंट्री है हमें जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बराबर तो हम सिटीजन हैं हमारी कंट्री के तो जो भी हमें मिल रहा है बराबर जो फैसिलिटीज हमें मिल रही है हाँ हम बाय कर रहे हैं बराबर हम परचेस कर रहे हैं यानी पैसे दे के ले रहे पर जो फैसिलिटीज़ हमें मिल रही है लाइक ऑप्टेनिंग फूड हमारा खाना पीना हो गया क्लोज मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फ्रेंड्स को ये हमें एफ मिल रहे हैं एफ का मीनिंग है फ्री ऑफ कॉस्ट मिले मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ पर जो फैसिलिटीज़ हमें मिल रही है क्लियर है तो उसको हमें परचेस कर रहे हैं हम लोग बाय कर रहे हैं पर जो लिविंग स्टैंडर्ड्स में क्या इंक्लूड होता है कौन सी फैसिलिटीज़ इंक्लूड होती है तो फूड फूड हो गया हमारा क्लोथ हो गया हमारा एजुकेशन हो गया फिर हमारी हेल्थ सर्विसेज यानी मेडिकल हो गया हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया या जो हमें ट्रेन बसेस प्लेन्स या जो भी मिल रहे हमारे सर्विसेज बराबर एयरपोर्ट बराबर तो सीधी बात है कि वो जो भी हमें मिल रहा है फ्रेंड्स विच आर इंक्लूड इन स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल यानी फैसिलिटीज वही कंसिडर होगी तो जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जाएगा सबको अच्छा फूड मिलना स्टार्ट हो जाएगा सबको बराबर मोस्ट ऑफ द पीपल सबको अच्छे कपड़े मिलेंगे जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता जाएगा सबको अच्छा बच्चों को स्टूडेंट्स को अच्छा एजुकेशन मिलेगा फ्रेंड्स जैसे जैसे डेवलपमेंट होता जाएगा फ्रेंड्स हेल्थ सर्विसेज यानी हमारे इंडिया की तो हेल्थ सर्विस यानी मेडिकल तो पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड में फेमस है यानी हमारी फार्मा इंडस्ट्रीज भी बहुत ही फेमस है बराबर ये कोरोना की मेडिसिन को बराबर उसकी वैक्सीन ढूंढने के लिए हमारे जो है साइंटिस्ट और डॉक्टर्स लगे हुए हैं और पूरी कंट्री का हाँ सब हमारी उस और ही देख रहे हैं कि इंड, इंडिया ने बहुत ही अच्छे अच्छे बराबर वैक्सीन हाँ पास्ट में डेवलप की हुई है तो वो तो हमारे पास वो स्किल तो बहुत ही अच्छी ही है तो फ्रेंड्स ये सब चीज़ें हैं ट्रांसपोर्टेशन है, है फ्रेंड्स तो ट्रांसपोर्टेशन भी जब जैसे जैसे इंडिया डेवलप होती गई कोई भी कंट्री डेवलप होती है तो ट्रांसपोर्टेशन भी फ्रेंड्स बेटर मिलना स्टार्ट हो जाता है बसेस मेट्रोस देखो मेट्रो टेन इयर्स पहले मेट्रो थी भी नहीं अब मेट्रोस भी अवेलेबल हो गई सिटीज़ बराबर मेट्रो सिटी में बराबर तो यानी ट्रांस फूड क्लोथ एजुकेशन बराबर मेडिकल सर्विसेज यानी मेडिकल जो भी है बराबर ट्रांसपोर्टेशन तो ये बेटर होती जाएगी अच्छी होती जाएगी बराबर नेक्स्ट फ्रेंड बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम इन इंडिया यानी हमारी बात आफ्टर इंडिपेंडेंस यानी जैसे हम इंडिपेंडेंट हुए बराबर जैसे इंडिपेंडेंट हुए फिर हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे बढ़ता गया बराबर देर हैज़ बिन ए इंप्रूवमेंट इन सर्विसेज एंड फैसिलिटीज यानी हमारी सर्विसेज एंड फैसिलिटीज बेटर होना स्टार्ट हो गई जैसे आफ्टर इंडिपेंडेंट जैसे हम इंडिपेंडेंट हो गए बराबर तो हमारी जो भी फैसिलिटीज़ है बराबर जो भी सर्विसेज है वो बेटर होना स्टार्ट हो गई बराबर फिर ट्रेन ले लो आप एयरपोर्ट ले लो बसेस ले लो बराबर कोई भी बराबर तो फूड फैसिलिटीज़ है वो जो भी आप फैसिलिटीज़ ले लो मेडिकल बराबर पहले सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही थी फ्रेंड्स नावर डेज तो आप अपोलो स्टर्लिंग बहुत बड़ी बड़ी मेडिकल ट्रीटमेंट कराने के लिए तो फ्रेंड्स बाहर से लोग अब्रोड से भी इंडिया में आ रहे हैं क्यों इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज़ बराबर बहुत ही अच्छी है बहुत ही अच्छी है क्योंकि हम डेवलप कर गए उसमें मेडिकल में तो ये फैसिलिटीज़ आपकी अच्छी होती जाए फिर अवेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन्स क्लोथ इलेक्ट्रिसिटी हाँ पहले देख इलेक्ट्रिसिटी उसमें तो फ्रेंड्स ड्रास्टिक चेंज हुआ है लिसन टू मी केयरफुली मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी के लिए ड्रास्टिक चेंज ड्रास्टिक चेंज का मीनिंग होता है फ्रेंड्स पहले तो इलेक्ट्रिसिटी है क्या वो गांवों में किसी को पता ही नहीं था ए डेज एट प्रेजेंट इंडिया में कोई गांव ऐसा नहीं होगा बराबर कि जहां पे बिजली इलेक्ट्रिसिटी ट्वेंटी फोर बाय सेवन अवेलेबल नहीं होगी हाँ प्रॉब्लम के लिए वो बिजली थोड़ी देर के लिए चली गई वो डिफरेंट है गुजरात में तो ट्वेंटी फोर बाई सेवन अवेलेबल अब तो इंडिया में भी हो गई है सब जगह पे ट्वेंटी फोर बाई सेवन इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है तो यहाँ तो ड्रास्टिक चेंज हुआ रीजन क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता गया और इंडिपेंडेंस के बाद हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे बढ़ता ही गया बराबर और लास्ट ट्वेंटी ईयर्स यानी एक डेकेड ले लो आप ट्वेंटी ईयर्स लास्ट ट्वेंटी ईयर्स यानी टू थाउजेंड टू टू थाउजेंड ट्वेंटी आप ले सकते हो वहाँ पे तो पूरी दुनिया बदल गई पूरी दुनिया बदल गई और इंडिया भी पूरी तरह बदल गया रीजन क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फास्ट हुआ सब कुछ बहुत ही फास्ट हुआ तो सबको इलेक्ट्रिसिटी एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज़ बहुत ही अच्छी मिलना स्टार्ट हो गई बराबर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल इजीली एंड बेटर वे यानी सबकी जो रिक्वायरमेंट थी ना वो इजीली फुलफिल होना स्टार्ट हो गई इजीली अब ज्यादा एफर्ट्स यानी ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं रहती है हाँ अभी भी देर आर एज फार एज इंडिया इज कंसन देर आर सर्टन पीपल यार मैंने बोला ना थर्टी थर्टी परसेंट पीपल्स आर बिलो पॉवर्टी लाइन अभी भी है फ्रेंड्स तो उन लोगों को अभी स्ट्रगल करना पड़ा है अब तो थर्टी परसेंट भी नहीं रहे होंगे बराबर वो भी फिगर एवरी फोर ईयर्स फाइव ईयर्स प्लानिंग कमीशन डिक्लेयर करता है कि हमारी कितनी पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन है बराबर तो अब तो वो भी उसमें भी डिक्रीज हो गए होंगे पर अब चीजें यानी कोई भी सर्विसेज है वो भी मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल होना यानी मिलना स्टार्ट हो गया है बराबर सब जल्दी मिल मिल जाते हैं मेडिकल फैसिलिटी भी जल्दी मिल जाती है हाँ बराबर हाँ दोज वो आर नॉट फाइनेंशियली और उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आती है पर मिल तो जाती है बराबर और गवर्नमेंट्स ने भी अपनी बहुत अच्छे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उस उनमें भी अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट लगाए है हुए हैं और मेडिकल फैसिलिटी वो पुअर पीपल को भी प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स बराबर इकोनॉमिक डेवलपमेंट बराबर और कंपेयर टू पास्ट ये बेटर वे में मिलना स्टार्ट हो गया यानी पहले जो फूड मिलता था पहले जो मेडिकल ट्रीटमेंट एजुकेशन इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी सीधी बात है पहले तो इलेक्ट्रिसिटी आई आई गई गई वही चलता रहता था पर अब तो नावे डेज तो ट्वेंटी फोर बाई सेवन सब कुछ मिलना स्टार्ट हो गया है तो बेटर वे में मिल रहा है सब कुछ ओके डन कंपेयर टू पास्ट सो दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टेकिंग प्लेस इन इंडिया यानी अब तो अब कह सकते हो कि सब कुछ अच्छा होना स्टार्ट हो रहा है और अच्छी तरह से हो रहा है बराबर कब से स्टार्ट हो गया है और उसमें भी हम बेटर कर रहे हैं डेवलपमेंट कर रहे हैं इंडिया में तो सीधी बात है कि अब अब तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया में डेवलपमेंट ना ये है, हैबिट हैबिट बन गई है अब हमारी और ये बननी चाहिए जैसे कोई चीज़ हमारी हैबिट बन जाती है ना तो वो हमारी लाइफ में इंक्लूड हो जाती है यानी अब डेवलपमेंट यानी डेवलपमेंट विदाउट बराबर लाइफ विदाउट डेवलपमेंट ध्यान से सुनना फ्रेंड्स लाइफ विदाउट डेवलपमेंट इज इम्पॉसिबल यानी आप लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकते हो विदाउट हैविंग अ डेवलपमेंट नाउ फ्रेंड्स अब यहाँ पे थोड़ा जीडीपी का डेटा प्रोवाइड है बराबर नेशनल इनकम क्या है वो हम पढ़ चुके हैं बराबर अब जीडीपी क्या है फ्रेंड्स मुझे ध्यान से सुनना फ्रेंड्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन ध्यान से सुनना फ्रेंड्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी ये हो गई हमारी जीडीपी क्लियर फ्रेंड्स तो यानी इंडिया की जो भी प्रोडक्शन है ड्यूरिंग होल ईयर जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं जनरेट करते हैं उसकी जो वैल्यू होती है और जो भी सर्विसेज हम क्रिएट करते हैं बराबर यानी गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होते हैं यहां पे गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूड होते हैं तो दोनों को इंक्लूड करोगे आप फ्रेंड्स गुड्स एंड सर्विसेज ये दोनों इंक्लूड होते हैं हमारे जीडीपी में यानी पूरे साल में हमने कितना गुड्स मैन्युफैक्चर किया पूरे साल में हमने कितनी सर्विसेज क्रिएट की बराबर तो ये दोनों को आप टोटल कर लोगे पूरे साल के तो हमें मिल जाएगी फ्रेंड्स जीडीपी क्लियर फ्रेंड्स अब जीडी का थोड़ा डेटा प्रोवाइडेड है जीडीपी ऑफ इंडिया हमारी कंट्री का है सीधी बात है हमें वही पढ़ेंगे 2011 2011-12 में हमारा जीडीपी था 87,000 सेवन थाउजेंड बराबर सॉरी एट एटी सेवन थाउजेंड थर्टी सिक्स जीरो थ्री नाइन वो हमारा पूरे साल का जीडीपी था यानी एटी सेवन थाउजेंड थर्टी सिक्स हंड्रेड बराबर ज़ीरो थर्टी नाइन बराबर वो हमारा था पूरे साल का फिर हमारा जीडीपी इंक्रीज़ होके हो गया हमारा यहाँ पे बराबर थर्टीन करोड़ फिफ्टीन सिक्स लाख बराबर वही हमारा डेटा थोड़ा करोड़ में है तो आप अच्छी तरह से देख लेना बराबर एज ए स्टूडेंट हम हमें फिगर्स उतने माइंड में नहीं रखने हैं बराबर पर जीडीपी का डेटा प्रोवाइड करके वो लोग आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं और हम लोग भी समझना चाहते हैं कि कैसे इंक्रीज़ हुआ तो यहाँ पे देखो आप यहाँ पे, पे यानी ये पहले वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भी नहीं थी हमारी 2011-12 में वन ट्रिलियन डॉलर की भी इकोनॉमी नहीं थी बट 2015 थाउजेंड में हम 1.35 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन गए हम लोग और लास्ट ईयर वी क्रॉस 2.7 करोड़ ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हम बन गए यानी हम इकोनॉमी में लास्ट ईयर वी आर गेटिंग फिफ्थ रैंक फ्रेंड्स यानी जो कंट्री की जीडीपी ज्यादा होती है ना बराबर वही कंसीडर होती है रैंक वाइज तो फर्स्ट नंबर पे है अमेरिका फ्रेंड्स जीडीपी सबसे ज्यादा किसका है अमेरिका का फर्स्ट नंबर पे कितनी इकोनॉमी है उनकी तो ट्वेंटी फोर ट्रिलियन डॉलर करोड़ सेकंड नंबर पे है फ्रेंड्स चाइना चाइना की है फ्रेंड्स ट्वेल्व पॉइंट फाइव ट्रिलियन डॉलर फ्रेंड्स थर्ड नंबर पे थर्ड नंबर पे फ्रेंड्स है जापान फोर पॉइंट सेवन फोर्थ नंबर पे है फ्रेंड जर्मनी थ्री पॉइंट सेवन अराउंड एंड फिफ्थ नंबर पे हम आ गए फ्रेंड्स फ्रांस से हम आगे निकल गए अरे आगे पीछे चलता रहता है अब आ गया इंडिया वो भी टू पॉइंट सेवन वो चेंज हर रोज चेंज होता रहता है पर सेकंड चेंज होता रहता है पर हम नाउ वी आर गेटिंग फिफ्थ रैंक एज फार एज जी इज कंसर्न क्लियर है तो जी में क्या कंसिडर होता है फ्रेंड्स गुड्स जो हमने प्रोड्यूस किए और सर्विसेज तो फ्रेंड्स ये था हमारा बराबर आज का सेशन जहाँ पे हम जीडीपी क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है वो हमने लिया आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही बराबर नेक्स्ट सेशन में हम अब डिफरेंस पढ़ेंगे बराबर जो है हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट फिर आगे उसको लेंगे बराबर ठीक है तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स हैव अ गुड डे